तो जी गुड इवनिंग। और आज का जैसे कल की आपने देखा था रिपू का बर्थडे, मतलब आज, और सुबह मन सुबह तक का दिखा दिया आपको। अब जा रहे हैं हम बाहर, और कहाँ जा रहे कहानी वो आपको आगे देखने को मिल जाएगा। हम जा रहे हैं सेलिब्रेट करने, तो जो भी होगा हम दिखाएंगे भी कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। लेट हो गए इसलिए जल्दी जल्दी जा रहे हैं। तो चलो आगे जाके मिलते हैं आपको, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं बताते हैं। आगे तो गुरु है बाहर है। अब बर्थडे गर्ल सबसे पहले आके इतनी एक्साइटेड है भाई, सबसे पहले आके खड़ी होगी यहाँ पे, है वेट भी कर रही है हमारा। आप बोलना चाहेंगी कुछ? ये इनको तो आता ही नहीं बेचारों को बोलना, ये इंग्लैंड से है ना, तो इनको खाली अंग्रेजी आती है, हिंदी में बात नहीं कर सकती है। तो जी निकल पड़े हम, और मैं बता देती हूँ आपको भी हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं रिबू का बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। मोहाली 72 सेक्टर में मॉल है, और मैं बताती हूँ आपको कौन सा मॉल है, वो मैं आपके आगे चल के दिखाती हूँ आपको हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। और हम निकल पड़े हैं, और इस टाइम ना हम निकले हैं 7:30, तो बहुत रश होता है इस टाइम, क्योंकि मोस्टली जो बिजनेसमैन है या आपका उस वाले हैं जॉब जूब वाले हैं ना, वो सारे इसी टाइम लोग अपने घरों को चले होते हैं। कोई शॉपिंग के लिए आता है, वो भी इस टाइम घरों के लिए वापस हो रहा होता है, तो ट्रैफिक बहुत हो जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। और ये देखो हमने एंट्री कर लिया है मोहाली में, और बस थोड़ा सा आगे जाके ना हमने टर्न लेना है, और वहीं पर हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है। और मैं दिखाती हूँ डेस्टिनेशन है, मॉल है 172 सेक्टर में, जो एलेंडे मॉल को भी मतलब फेल करा, इतना अच्छा वो है। वो तो अंशुल ने बहुत उसके रिव्यूज पढ़े थे, तो ये देखो वो सामने पहुंच गए हम लोग, बस कैब कर ली थी हमने, और ये देखो पहुंच गए हम अपने डेस्टिनेशन पे। और अंदर चल के मैं दिखाती हूँ, और ये डेस्टिनेशन है हमारा 72 सेक्टर में, मॉल कुछ भी नहीं, और ये है CP67 मॉल, और 67 सेक्टर में है। मैं 72 बोल रही हूँ तब से, ये है 62 में, और ये देखो जी ये हीरो ये हीरो है, ये तीन हीरोइने हैं, ये हीरोइने देखते पर पीछे ये तो अपने भी बिजी है, इनको तो पता नहीं हो सकती नहीं है। रेंट के सीधा है, छोटी जगह है, जगह बहुत मिली हुई है। अभी किसी फोटो तो होगी एंट्री, और इन्होंने शॉपिंग करनी कर दी शुरू, और लेडीज और कॉस्मेटिक्स की तरफ ना अट्रैक्ट हो ये कभी हो नहीं सकता। तो वो देख रही हैं लेती कि नहीं लेती हैं, वो मुझे नहीं पता, और बस उसके बाद पता चलेगा कि लिया कि नहीं लिया। पर नहीं, मैं आगे आ गई थी और इन्होंने कुछ नहीं लिया, दोनों ने इनको कोई पसंद नहीं आया, शेड ही पसंद नहीं आ रहा था। हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर पे ये देखो मतलब ये पूरा जितना भी वो था वो लेडीज डिपार्टमेंट है ये सारा, और देखते हैं देख रहे हैं कुछ अगर पसंद आता है तो लेते हैं, नहीं पसंद आएगा तो नहीं लेंगे। पर ये भी चलो जब आए हैं तो देखना तो बनता है, पर मुझे ना मतलब वो कुछ पसंद नहीं आ रहा था। और ये देखो बहुत सुंदर सजाया हुआ ना, ये इस तरह से, ये मतलब ऊपर फर्स्ट फ्लोर से ना जो नीचे का ना ग्राउंड फ्लोर का वो इस तरह से, ये देखो इस तरह से लुक आ रही थी उसकी, और बहुत प्यारा लग रहा था। मतलब एलांटे मॉल को तो मेरे को लगता है एलांटे को तो फील कर गया ये। और नेक्स्ट फिर हम अब उसमें गए हैं, जा रहे हैं अंशुल ने लेना था टी शर्ट्स वगैरह लेनी थी, तो वो देखने गए थे। डेकोरेशन देखो बहुत सुंदर लगता था, मतलब इन चीज़ों को देख के ना मन नहीं मतलब हो रहा था, भर रहा था। रश तो नहीं था ज़्यादा, खैर रश नहीं था वहाँ पे, लेकिन मतलब फुल एंजॉय किया हमने, घूमे फिरे अपना, बस एंजॉय करते रहे। मैं ज़्यादा शूट नहीं किया मैंने, क्योंकि हम लोगों ने बस अपने फर्स्ट फ्लोर से हमने कुछ भी नहीं लिया, वहाँ पसंद नहीं आया हमें। और ये देखो हमने अब यहाँ पे पहुँच गए सेकेंड फ्लोर पे, और सेकेंड फ्लोर पे पहुँच के क्या हमने यहाँ पे शॉपिंग भी कर ली है। मैंने अपने लिए नाइट सूट लिया, मैं दिखाऊंगी आपको आगे। अंशुल रेचल ने टी शर्ट्स ली, और बर्थडे गर्ल ने उसको कोई पसंद नहीं है, उसने कुछ भी आया भी होगा पता नहीं, उसने कुछ भी नहीं लिया, अभी बुने नहीं लिया कुछ नहीं, बस अब खाने जा रहे हैं, देखते हैं थर्ड फ्लोर पे चलते हैं। अंशुल देखो क्या क्या लिया हमने, वो दिखाते हैं अभी आपको, हाँ घर में जाके दिखाएंगे, अभी दिखाएंगे। अरे पैक हमारा ही हो रहा है, अंशुल ने ली टी शर्ट, रेचल ने ली
कुछ इन्होंने बोल दिया ना कि चलो चल लिए, बाकी मेरा राइट सूट वो आपको घर जाके दिखाएंगे। और पहुंच गए हम थर्ड फ्लोर पे, और थर्ड फ्लोर ना पूरा ये फूड सेक्शन ही थर्ड फ्लोर पे, तो बहुत अच्छा खाना भी बहुत अच्छा मिला यहाँ पे, बहुत अच्छा खाना था। इन्होंने तो वो ये बच्चे तो आपको पता ही भी फास्ट फूड खाने वाले हैं, इन्होंने तो अपने तरीके से रंचो लेना वो लिया, और मैंने सिंपल मतलब मैंने रंचो लेना सिंपल ही खाया, सिंपल ही खाना लिया हमने, ज़्यादा नहीं लिया कुछ नहीं ना, क्योंकि मैं भी कुछ मुझे भी कुछ तला वाला नहीं खाना होता है। मैं बेचारा कभी एक को पूछ रहा, कभी दूसरे को पूछ रहा, वो दुविधा में क्या खाना क्या नहीं खाना, इन सबकी पसंद अलग अलग है। सुनो सुनो सुनो, ये कौन सी मीटिंग है जहाँ मुझे नहीं बुलाया जाता, ये वो वाली मीटिंग है। इनका मटेरियल तो आ गया, जुट गए दोनों खाने में, भूखे भूखे। अरे चलो दस रहा था मुँह में उसके, पर वो चला गया है। क्या गया तेरे मुँह में, क्या गया? बड़ी बहुत चूजी है भाई, बहुत चूजी। मैंने अंशुल ने ना ये थाली ऑर्डर की है, ये देखो इस तरह से, मतलब हम लोगों ने ना दोनों ने जैसे कि मैंने बताया आपको भी, हमने सिंपल ही खाया दोनों ने ना, सिंपल ही ऑर्डर किया, क्योंकि ना वो तला वाला कोई ऐसा वो खाता है ना मैं खाती हूँ, और बस तंदूरी चपाती। तो चलो खा लेते हैं, बस खाना खा लिया था, खाना कंप्लीट हो गया, और अंशुल ले आया है आइसक्रीम विद फ्रूट, मतलब फ्रूट आइसक्रीम नहीं है लेकिन आइसक्रीम लेके आ गया है, फ्रूट वाला फ्रूट फ्रूट डलवा के, क्योंकि मैं आइसक्रीम नहीं खाती हूँ ना, तो ज़्यादा फ्रूट्स डलवा के लिया है। ये आइसक्रीम खा रहे हैं सबके सब, आइसक्रीम खा रहे हैं, एक ये हीरोइन भी आइसक्रीम खा रही है। हाँ, इसकी पहले शक्ल अच्छी नहीं आई थी, इसलिए दोबारा से लेने को बोला है मेरे को वीडियो। और ये देखिए इतना बड़ा बाउल मम्मी खत्म कर चुकी है आइसक्रीम का, और ये अंशुल गुलाटी इतना बड़ा बाउल खत्म कर रही है। और एक सिर्फ मैं ही हूँ जिसने आइसक्रीम नहीं खाई है, और नजर फिर दूसरों को कुछ भी ला रही है, और बर्थडे मेरा है पर किसी ने मेरे को पूछा नहीं कि आइसक्रीम खानी है। खाओगे सुरसुर ससुराल है, देखो अब ससुराल है, ये मम्मी परे से बोल रही है कि ससुराल है ना इसलिए सास खाती है बहू नहीं खाती है। और ये देखिए यहाँ पे गुलाटी जी भी दो दो चम्मच के साथ खाने में मस्त हुए पड़े हैं, आज तो इनके डब्बा खाली हो गया फिर भी चाटने से बात नहीं आ रही। खाली थोड़ा। और ये देखिए मुझे कैप दिया जा रहा है, ये दिसी लुक एट दिस, मुझे खाली डब्बा दिया जा रहा है, शर्म आ रही है आपको ये बोलते हुए? और ये देखिए मम्मी ने तो अपना डब्बा ही उठा लिया कि मेरे से मांग डाले लड़की। ये क्या था इसमें, तो मैं सास में इतनी कमजोरी है ना, फ्रूट फ्रूट खा दी बेचारी बीजी है। कैसे लगे सुंदर लग रही हूँ आज, ये मेरा आउटफिट है, मम्मी को वीडियो वाले देख पा रहे हैं, आप नहीं देख पा रहे हो पर मम्मी वीडियो वाले देख पा रहे हैं। ठीक है, कुकिंग हो गया, खाना पीना, और हम जा रहे हैं वापस। चलो आगे चलो, अरे देखो इनके ड्रामे देखो, ये शो हो रहा है। चलो जा रहे वापस, तो बस अब अपनी मतलब अपने जो हमारा मकान है ना, मतलब अपने हाउस के बैक साइड में आ गए हम, 22 में एंट्री कर ली हमने, खूब इंजॉय किया, लेकिन मैंने शूट नहीं किया, मैं सिर्फ इसलिए बताऊं मैंने शूट नहीं किया, मतलब इंजॉय करते रहे आज, मैं कहा शूट पूट नहीं करना ठीक है ना, कुछ टाइम अपने लिए भी होता है, तो हमने खूब फुल इंजॉय किया, और बस पहुँच गए अपने घर के पास में बिल्कुल, और खूब मत मैं भी बस ऐसे ही होना चाहिए,
जो इंजॉय करो ना, हम खूब मस्ती की, ये नहीं भी मस्ती नहीं की है, खूब मस्ती की, अच्छा रहा, यादगार रहा, पर बस शूट नहीं किया। मैं सीरियसली बताऊं, शूट नहीं किया जाता और कर ली। ये देखो हमने अपने जो है वो देखते ही हो आप, ये गली मेरे घर की गली है कर लिया एंट्री अपनी गली में, और चलो मिलते हैं आपको आगे घर जाके। आगे का तो मैं नहीं वो करूंगी, शूट नहीं करूंगी बस, पर ये देखो बस ऐसे ना, इस टाइम लेट काफी हो गए थे हम लोग, हम पहुंचे घर आके 11:15 पहुंचे घर आके, तो मैंने ज्यादा शूट नहीं किया। हाँ ये देखो जी, चल थैंक यू बोल हाँ ये विश सबसे अच्छी है। तो जी रिब्बू का बर्थडे हमने इस तरह सेलिब्रेट किया, जैसे कि मैंने ना ज्यादा शूट नहीं किया, जो जहाँ पे हम सेलिब्रेट करने गए थे ना, ज्यादा शूट नहीं किया, एंजॉय बहुत किया लेकिन सेलिब्रेट नहीं किया। वो हमने सिर्फ टाइम ना अपनी फैमिली के लिए अपने लिए रखा। खैर फैमिली तो आप लोग भी हो, पर बस मतलब मन ही नहीं किया, मस्ती करते रहे अपना ना, तो बहुत अच्छा रहा। आज का जो ब्लॉग है ना, मैं ढंग से ना एडिट नहीं कर पाई, कोई कमियां होगी तो माफ करना, कमियां तो बहुत हैं, कमियां भी हैं, क्योंकि आज ना मैं कहीं गई थी, कल रात को मैं शूट वो नहीं एडिट नहीं कर पाई पूरी तरह से, फिर आज सुबह एडिट किया जाने से पहले, आज सुबह भी जल्दी चली गई हूँ, कहीं मैं बाहर थी, तो वो आपको जो आने वाला ब्लॉग है ना उसमें देखने को मिलेगा भी मैं कहाँ थी। मैं सुबह जो गई थी ना वो बस अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ, और मैं पहुंची हूँ आपका 8 बजे घर आके, मॉर्निंग की निकली। तो चलो कभी कभी एडजस्ट कर लिया करो, जैसा भी था जैसा भी ब्लॉग, ब्लेसिंग्स देते रहना बच्चे को, और देखना पूरा पूरा फुल वॉच करके लिया करो, बहुत कम देखते हो आप लोग। तो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।